अभी जो हमने दिखाया आपको, ये पहले वाला, ये वाला, हाँ ये दिखाया तो कैसा लगा आपको? याद आया ये पिक्चर? ये लगता है क्या आपका? ये शर्म आ रही हो देखते मेरे को। शर्म आ रही है? हाँ तो अभी 2 महीने हो गए हैं, तो अब आपको पहले और अभी में क्या फर्क लगता है? बहुत मतलब ज्यादा फर्क लगता कि है। जैसे ड्रेसेस और वगैरह डालने में क्या हाँ चीज ठीक लगता है अभी? उसको एक सेफ आ गया है और वो अच्छा सा दिखता है। बोले तो पहला बहुत गंदा लग रहा था। अभी ब्रा ड्रेस भी, वगैरह अच्छे से पहन ड्रेस, पाते हाँ ड्रेस हो? पहन सकती हूँ, ब्लाउज पहन सकती हूँ, वन पीस पहन सकती हूँ, बहुत सारे कपड़े पहन सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो है देखिए इस तरह से था, हाँ ये जो है कोई जो है ड्रेसेस वगैरह अच्छे नहीं आते थे, अभी नहीं जो आते थे। है हाँ आप अच्छे से ड्रेस डालते हो। हाँ और जो है तो जो पहले देखा था और अभी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में भी फर्क है, बहुत ज्यादा ड्रेस फर्क में है। भी फर्क आया, काफी चीजों में फर्क आया है। हाँ तो अभी अच्छे से आप ड्रेस डाल दे। हाँ तो तकलीफ कितना हुआ सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद खाली 2 से 3 दिन तक तकलीफ हो गई, तभी इतना बड़ा ऑपरेशन जो हमने हुआ। अराउंड 500 cc जो है इम्प्लांट डाला था, और पहले तो आपको ये शेप वगैरह बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं कुछ नहीं था। था, कुछ नहीं था, और 1-2 दिन रुपये और थोड़ा भारीपन बहुत लगा था, हाँ भारीपन तो हो जिस रहा दिन था। सर्जरी उस दिन बता रहे हाँ काफी पेन आपको नाइट नहीं में नहीं इतना भी नहीं, उस नाइट को उठने को नहीं आ रहा था मेरे को। उठ देने उठ देने आ हाँ रहा था। और शुरू में थोड़ा सा ऐसे हैवी हैवी भी लगता है था कि कुछ जो है थोड़ा वेट भी बढ़ गया, थोड़ा हैवीनेस है, वो धीरे धीरे फिर वो ठीक होता चला ठीक गया। होता चला गया। और जब मैं घर गई तो ऐसा कुछ तो ऐसा भारी रख दिया ऐसा लग रहा ऐसा था, लगता था। पर एक 3 4 दिन के बाद मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा चलो कुछ हाँ लगता है तो नहीं थोड़ा, है। हाँ ओके थोड़ा दर्द हो रहा था, ओके इतना भी नहीं, उतना तो दर्द होता ही है। तो अब कोई ऐसा बता पाए कि आपने कुछ कराया कि कैसे ये ऐसे ड्रेस वगैरह अच्छे लगने लगे? और अभी ऐसा कोई बोलता भी आपके आपको पहले से ज्यादा बोलते भी है लोग, कि क्या पहले चीज से कराया आपने? नहीं क्या किया क्या है तुम, तेरे में बहुत फर्क लग रहा है, टोटली फर्क मतलब लगता है ये, मतलब बहुत ही। ब्रेस्ट की सर्जरी हाँ से पूरी जो है पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। अच्छा लगता है आप ड्रेस वगैरह अच्छा भी डाल लग लेते रहा हैं? है और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन रही हूँ और वो इसे बेर भी रहे मेरे को। पहला हाँ कुछ नहीं था, इम्प्लांट नहीं था, मेरे बेटे सर्जरी नहीं की थी, तब मेरे को ऐसा ये हो रहा था कि ये ड्रेस नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, ये नहीं, वो ड्रेस नहीं। पहनने में भी लेने हाँ में भी साइज में अलग हाँ लगता अभी कुछ नहीं, आप कैसा ड्रेस लो वो भी बैठता है, था। अभी ड्रेस भी अच्छे से आता है और अच्छा भी दिखता है, कोई अच्छा भी भी ड्रेस दिखता है। लगता है तो हाँ फिटिंग का आता है जो पहले नहीं लगता था। तो आपकी कितने साल से मन था कि करने का है, और कितने दिन के बाद आपने फिर ये डिसीजन लिया? मैंने ये डिसीजन मेरा 2020 से मैंने दो दिन दो साल ये, से सोच रहे थे करने हाँ का, 2020 से तो डर था सर्जरी का डर कि था, पर कोई बोलता था ऐसा, कोई बोलता था ऐसा, पर मैं जो वीडियो देख रही थी, एक वीडियो बार 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 देखी ना, तो मेरा डर भाग गया। मैं बोली कुछ भी नहीं, इतना क्या है, और वो करने वाले तो डॉक्टर ही है ना, तो क्या कुछ पर गलत भी ऐसे कर दिया। ऐसे नहीं, शुरू में डर लगा था शुरू क्यों? में डर लग रहा था, बोले तो ये क्या है ये, ऐसा हो रहा था, पर अभी नहीं। जिस दिन सर्जरी थी उस दिन कितना डर था? उस दिन डर नहीं था कुछ, पर अभी भूल तो देने वाले थे। हाँ तो हो ही गया। बस उस दिन, उससे पहले उसके बाद तो आपको पता ही नहीं चला कि सर्जरी के नहीं अंदर नहीं क्या नहीं हुआ। पता चला। तो लेकिन जो लोग हैं जिनको इम्प्लांट करना है तो वो डरते हैं काफी, तो इतना डर है, डर सर्जरी का इतना रिस्क है इसमें? डर क्या है कि वो हार्ट के इधर रहता है ना अच्छा, इसलिए सर्जरी, डर लगता है, इसलिए डर हार्ट पे लगता थोड़ी है। डालते हैं हम ये नहीं डालते नहीं, पर डर तो रहता है ना, कि एकदम पे यहाँ पे हार्ट कहीं अंदर ना रहता चला है, जाए। कुछ नहीं। अब एक तरीके से मेरा ऐसा सेफ आ गया, पूरा हाँ बदन ढक भी जाता है, पहले ऐसा पूरा लॉन्ग लॉन्ग कपड़ा कैसा तो फिटिंग नहीं आता था, अब फिट हो रहा है, अच्छे से बैठ रहा है और अच्छी भी दिख रही है मैं अभी। यस, अभी पहले से एक्चुअली मैंने तो आपको पहचाना भी नहीं जो पहले आया था और अभी हाँ में, सो काफी फर्क है एंड अच्छा रिजल्ट आया है। 2 महीने हो गए हैं और भी जो शेप है थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता रहता है। सो इसको 3 से 6 महीने लगते हैं पूरा सेटल होने हाँ में, थोड़ा बॉडी में हैवीनेस भी लगता है शुरू में, लेकिन टाइम्स के साथ ये धीरे धीरे बेटर हो जाता है। सो ब्रेस्ट इम्प्लांट सेफ है और इसमें ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, रिस्क वगैरह नहीं है। और देखिए एकदम फ्लैट चेस्ट सी अभी हमने एक प्रॉपर फीमेल
वाली शेप दे। सो ये हमने 2 मंथ्स पहले इम्प्लांट किया था, ये आपका 2 मंथ्स का फीडबैक है। तो जिसको भी ये करना है वो करा सकता है, करा सकते हैं। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है, ये ऐसा बोलना चाहते हो ना कि नहीं डरने की जरूरत कुछ भी नहीं है। जिसको भी सर्जरी करानी हो कर सकते हैं और अच्छे से सर्जरी है। और ये बोलते थे कि बहुत हार्ड फील होता है, ब्रेस्ट की जो सॉफ्टनेस है वो नहीं रहती है। अभी जो आपने किया तो उसमें कुछ आपको चेंज लगा कि सॉफ्ट ही लगती है, जैसे बाकी लोगों ने बताया कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट ही लगती है? ये इतना सॉफ्ट ही है और तुम जैसा सॉफ्ट जितना दबाओगे उतना भी सॉफ्ट रहता है वो। मतलब उसकी नॉर्मल स्किन वैसी फील है, स्किन जैसी फील है उसकी। So, ये वैसा का वैसा नेचुरल दिखता है, और जो है ऐसा कुछ ऐसा लगता नहीं है कि अंदर कुछ है या कुछ जो है हार्ड है बेसिकली वो चीज। कई लोगों को ऐसा डर लगता है, नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है। और जिनको भी सर्जरी करानी है वो प्यार से आए, पैसे सर्जरी करा के जाओ, बहुत अच्छा है। मैंने खुद इम्प्लांट बिठाया है, मेरे को मालूम है इम्प्लांट कैसे है और क्या है। क्योंकि जिस दिन जब सर्जरी से पहले बहुत डरे हुए थे, हाँ, कि ये हो जाएगा, हार्ट के अंदर कुछ चला जाएगा, डर तो है, डर तो है। सो ये जो है 2 मंथ्स का आपका फील।